देसी मिर्ची तड़का में आप सभी का स्वागत है। ये देख सकते हैं एक कटोरी सूजी है। इससे बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाना है। चलिए देखते हैं किस टाइप के नाश्ता बनाना है। ये प्याज है, हरी वाली मिर्चा है, और ये छिल्ला के लिए सूजी का जो छिल्ला बनाना है वो मेथी डाल करके बनाऊंगी, क्योंकि मेथी पराठा मेथी आलू का सब्जी आप लोग बहुतों बार खाए होंगे, पर आज मेथी के छिल्ले बनाने का तरीका और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब देखेंगे। YouTube पर पहली बार, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए किस तरीके से बनाना है वो देखते हैं। ये देख सकते हैं सूजी है, इसको इस तरीके से डाल देना है। झटपट और मिनटों में आप बना सकते हैं सूजी का छिल्ला, बहुत ही टेस्टी लगती है। जिस तरीके से चावल की लगती है ना, उस तरीके से लगती है। ये देखिए नमक है, आप स्वाद अनुसार जितनी आपकी क्वांटिटी में है आपकी सूजी उसी के अनुसार आप इसमें नमक डालें। मिर्चा है कटी हुई, आप अपने अनुसार डालें, ज़्यादा कम बेशी कर सकते हैं। प्याज है, क्योंकि ये जो नाश्ता है बहुत ही हेल्दी होने जा रही है, तो इस तरीके से बनाना फायदेमंद होती है। और ये मेथी साग है, आप चाहें जितनी भी बारीक आप काट सकते हैं, पतली मोटी, और इसको इसी में मिलाना है। इस तरीके से मिला देना है, डाल देना है, ताकि आपके जो छिले बने, छिले या छिलके जो भी हैं, आप इसको एक ही चीज़ है, नाम थोड़ी थोड़ी अलग है पर एक ही शब्द है, हम लोग इसको छिलका बोलते हैं और भी इसका नाम है छिला, तो इसको डाल देना है और मिला देना है। इसमें थोड़ी सी आप प्याज डाल दें, क्योंकि नाश्ता बहुत हेल्दी बनने वाली है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है अगर आप इस सारे चीज़ को डालते हैं तो। इसमें एक टमाटर डालना है, मैंने पहले ही बोला था ना कि नाश्ता बहुत हेल्दी बनने वाली है, तो हेल्दी बनाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का ज़रूरत पड़ती है। देख सकते हैं इसमें एक अंडे को आप डाल दें, एक या दो आपकी जैसी इच्छा हो उतनी आप क्वांटिटी में डाल दें, क्योंकि नाश्ता बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। अब इसमें पानी डाल करके इस तरीके से आप हाथ से मिलाइए, चाहे आप चम्मच से मिलाइए, पर हाथ से मिलाने में ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं यहाँ हाथ से मिला करके देख सकते हैं इस तरीके से। रख देती हूँ कुछ थोड़ी 10 से 5 मिनट के लिए, ताकि ये सूजी जो है वो अच्छी तरीके से फूल जाए, तब मेरी जो छिले है बहुत ही अच्छी बनेगी, क्योंकि फूली हुई नहीं है, अभी डाले हैं तो फूली हुई नहीं है, देख सकते हैं। इसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मेरे छिले कितने टेस्टी बनी हुई है। बच्चे से लेकर के बड़े तक सभी को ये छिले बहुत ही पसंद आती है, और टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। ये देख सकते हैं 10 मिनट हो चुकी है और ये मेरा छिल्ला जो है वो फूल गई है, क्योंकि सूजी थोड़ी सी फूलने के लिए छोड़ी थी मैं, तो फूल गई है। अब चलिए तावे पर इसको बनाना है किस तरीके से। ये देख सकते हैं कोई भी तावा हो, लोहा का तावा हो या तो फिर नॉनस्टिक का तावा हो, किसी भी तरह के तावा हो, आप उसमें इस तरीके से तेल को थोड़ी सी डाल दें, और डालने के बाद आप अब जो सूजी का घोल छिले बनाने के लिए तैयार करके रखे हैं वो इसको इसमें डाल दें इस तरीके से, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही
लाजवाब। इस तरीके से थोड़ा सा कर दे ताकि आपकी जो छीले हैं वो पतली सी खूब अच्छी सी पक जाए। थोड़ा सा इसको फैला देना है क्योंकि ज़्यादा मोटी रहेगी तो पकने में थोड़ी सी, पकने में क्या मतलब, थोड़ी सी मोटी हो जाती है। तो इसको इस टाइप से आप किसी बर्तन से, छोटे से बर्तन से लेकर के इस तरीके से ढक दे ताकि अच्छी से ये छीला पक जाए। थोड़ी सी इसको इस तरीके से उलट पलट देना है ताकि आपके छीले अच्छी तरीके से पक जाए। इस तरीके से देख सकते हैं और कोशिश करें धीमी आंच में पकाने के लिए, क्योंकि अगर धीमी आंच में नहीं पकाते हैं तो आपकी जो छीले हैं वो धीरे धीरे कच्ची मतलब रह जाएगी। तो फिर से ढक दें और धीमी आंच में धीमी धीमी पकने दें। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बन गई है। इस तरीके से छीले को निकाल लेना है। फिर से उसी तरीके से डालना है और छीले को तैयार कर लेना है। सारे छीले को इसी टाइप से आपको निकालना है इसी तरीके से, और धीमी आंच में बनाना है ताकि कच्ची ना रहे। सभी रोटियां बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं सभी छीले बनके धीमी धीमी आंच पर बनी हुई है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने का, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये देख सकते हैं बनके तैयार हो गई है मेरी छीली रोटी इस तरीके से, अब बहुत ही टेस्टी बनती है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है इस तरीके के मेथी साग वाली पराठे, या पराठे या रोटी, या आप क्या बोलते हैं छीले, इस तरीके से आप बना सकते हैं। धनिया पत्त, ये आलू का सब्जी है और धनिया पत्ती की चटनी है, और टमाटर केचप के साथ भी खा सकते हैं। कैसा लगा ये मेथी साग के छीले वाले छिलके वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ये देखिए